फ्रेंड्स, मेरा कतनी जी आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं आपके लिए फुजिया प्लांट पर वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कि लगभग पूरा साल चल जाता है। मैंने तो इसे विंटर के सीज़न में लिया था। इसे फ्यूक्सिया भी कहा जाता है और इसे फुजिया भी कहा जाता है। आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ये वैसे तो इंडिया में हो ही जाता है लेकिन इसे गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ। तो इसे जो आज मैं इसके केयर के बारे में बात करूँगा, इसके फ्लावर्स भी बहुत ही सुंदर होते हैं। मैं आपको इसका फ्लावर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसी पौधे की ब्रांच है जो कि टूट गई थी आज, क्योंकि ये इस पर इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये ब्रांच जो है ये फ्लावर्स का वजन सहन नहीं कर पाई, इसलिए ये जो ब्रांच है ये टूट गई। मैंने इसे पानी में इसलिए डुबो रखा है ताकि इसके फ्लावर्स जल्दी ना मरें। अगर मैं बाहर ही रख देता इसे तो ये सूख जाती। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके फ्लावर्स दिखा देता हूँ। इसके फ्लावर्स ऐसे लटके हुए लगते हैं, जैसा कि आप ये ऊपर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो इसके फ्लावर्स हैं ये लटके हुए लगते हैं प्लांट पर, और ये अभी खुला नहीं है फ्लावर। इसमें कई रंग के प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मेरे पास तो पर्पल और रेड वाला है, वैसे इसके अंदर रेड और वाइट वाला भी आता है और पिंक वाला भी। तो फ्रेंड्स, आप इसके कई रंग होते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये रेड और पर्पल वाला है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फ्लावर्स ऐसे प्लांट पर लटकते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आज मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताऊंगा। इसके जो लटके हुए ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताऊँगा कि हम इसकी केयर किस तरह कर सकते हैं। आप इसे बाय भी कर सकते हैं अपने आसपास की नर्सरी से, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। वैसे ये अपने विंटर के सीज़न में आपको नर्सरीज पर आसानी से मिल जाएगा, गर्मी के सीज़न में ये नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताऊंगा कि हम इसकी केयर किस तरह कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये हैंगिंग पॉट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा इसके फ्लावर्स ऐसे साइडों में जो लटक जाते हैं, वैसे ये हैंगिंग पॉट के चारों तरफ लटके हुए फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है वैसे तो ये हैंगिंग पॉट में भी लग सकता है, और नहीं तो आप इसे नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं। इसे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती, इसे थोड़ी जगह में भी ये अच्छी तरह ग्रो कर जाता है। ये एक बुश बन जाता है, और जब ये थोड़ा झाड़ बन जाए, मतलब कि बुश बन जाए, तो आप इसकी कटिंग कर दें तो इसकी शेप बनी रहती है। ये प्लांट पूरा का पूरा फ्लावर से लद जाता है। मेरे अभी थोड़े इतने फ्लावर्स नहीं लगे हुए। ये देखिए, जैसे कि आप इसके ये दो ये नए फ्लावर्स अभी लग रहे हैं, और ये जो हैं ये खुल चुके हैं। ये देखिए, दो तो अभी इसमें छोटे थे, लेकिन ये जो नीचे वाले दो हैं ये पूरे पूरे बड़े हो गए थे। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आज मैं आपको इसकी पूरी तरह केयर बता दूंगा कि हम इस प्लांट की केयर किस तरह कर सकते हैं। इसकी केयर के लिए सबसे पहले तो आपको इसके टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए कि इसे ज़्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं है। ये ऐसा प्लांट है जिसे कि कोल्ड क्लाइमेट अच्छा लगता है, कोल्ड नहीं आप कूल क्लाइमेट कह सकते हैं। इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि इसे ठंडक मिले, और अगर आप इसे ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो ये मर जाएगा। गर्मी में ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाता। आप इसे कूल जगह पर रखें जो कि अच्छी खासी कूलिंग हो जिस जगह पर। आप इसे फुल सनलाइट में ना रखें, इसे सिर्फ़ सुबह सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट 2 घंटे या 3 घंटे की बहुत होती है, और उससे ज़्यादा अगर आप इसे दोपहर को भी सूरज में सनलाइट में रखेंगे तो ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। ये प्लांट बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब कि अगर आपने इसकी ज़रा भी, मतलब कि इतना सेंसिटिव भी नहीं होता, आपने इसकी अगर केयर नहीं की तो ये मर जाएगा। आप इसकी थोड़ी बहुत केयर तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स के लिए आप इसकी केयर कर ही सकते हैं। ये देखिए,
वैसे इसमें और रंग भी कई आते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो आप इन्हें कूल क्लाइमेट इसे कूल क्लाइमेट में रखें, मतलब कि ऐसी जगह पर जहाँ पर इसे ठंडक मिले, और दूसरा आप इसे शेड में रखें, सिर्फ सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसे मिले, बाकी पूरा दिन ये शेड में पड़ा रहे। और फ्रेंड्स, इसे इसकी मिट्टी को सूखने न दें, इसकी मिट्टी को अगर आपने सूखने दिया तो ये प्लांट मर जाएगा। आप दो इसकी मिट्टी आपने किस तरह बनानी है, मतलब कि इसे किस मिक्सचर में लगाना है, इसे आप ऐसे मिक्सचर में लगा सकते हैं, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रेत, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्ते की खाद भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में आप मॉइस्चर बनाए रखें, और इसे रेगुलर फर्टिलाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है खाद की, वो तो मैंने मिक्सचर में बताया था। मिक्सचर में हमने एक हिस्सा मिट्टी डाली थी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा खाद का, और उसके अलावा इसे हर 2-3 हफ्ते बाद फर्टिलाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप इसमें कोई भी DAP भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी खाद आप इसे, मतलब कि वो जो हमने मिक्सचर में डाली थी वो भी आप तीनों इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हर 2-3 हफ्ते बाद इसे खाद देनी होती है। पहले मिक्सचर बनाने के बाद जब आपने इसे लगाया, पहले 2-3 हफ्ते में कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और पहले इसे उस मिक्सचर में लगाने के लगभग 20-25 दिनों बाद आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, मतलब कि हर 2-3 हफ्ते बाद खाद देने वाला। और आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ना नहीं, मतलब कि आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप इसमें सीधा यहीं से थोड़ा ऊपर थोड़ी खाद डाल दें और उसके बाद पानी डाल दें, तो वो खाद अपने आप मिट्टी में चली जाएगी। ये देखिए, मैंने भी इसके ऊपर ये खाद डाल रखी है। इसे सॉफ्ट सोल पसंद है, इसे हार्ड सोल पसंद नहीं है, आप इसे नरम मिट्टी में लगाएं। और फ्रेंड्स, आप इसे जो सर्दियाँ जब आती हैं तो आप इसे पारे से, मतलब कि फ्रोस्ट से बचाने के लिए आप इसे इंडोर भी कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा आउटडोर आप इसे ठंड में ना रहने दें। आप किसी पेड़ की छाया में भी इसे, बड़े पेड़ की छाया में भी इसे विंटर में रख सकते हैं, या फिर आप इसे विंटर में इंडोर कर दीजिए, क्योंकि विंटर में रात को पारा पड़ता है, फ्रोस्ट पड़ती है, तो ये प्लांट गल जाएगा। आप इसे विंटर में इंडोर करेंगे तो ये पूरा साल भी चल सकता है। वैसे ये पेरिनियल प्लांट है, मतलब कि ये कई सालों तक चल जाता है, 3-4 सालों तक आप ये प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी विंटर में। विंटर में आपको इसे इंडोर करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर के अंदर रात को फ्रोस्ट पड़ती है, जो कि ये सहन नहीं कर सकता। आप इसे अपने गार्डन में भी रख सकते हैं, किसी बड़े प्लांट की छाया के अंदर, और समर में तो ये अच्छी तरह ग्रो कर ही जाता है, लेकिन अगर आप इस ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर समर में टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, तो आप इसे शेड में ही रहने दें। 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इसे अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, मतलब कि आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर टेम्परेचर 25-30 डिग्री तक चला जाता है, तो आप इसे आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी और इसे ठंडक प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। गर्मियों में आप इसके पत्तों के ऊपर पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, दो बार दिन में समर में, तो इसके पत्तों में भी ठंडक बनी रहेगी और यह आपको समर में भी सरवाइव कर जाएगा। हमारा तो ऐसा एरिया है जहाँ पर 45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान चला जाता है, 40-45 से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समर में बताऊंगा, अब समर आने वाली है, तो देखते हैं कि मैं इस प्लांट की केयर कैसे करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप इसकी केयर के बारे में समझ गए होंगे कि हम इसकी केयर किस तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। इसका अच्छी तरह ख्याल रखते रहिएगा।